आज दिनांक 14 मार्च 2022 को एसएसपी कार्यालय में एक अधिवक्ता श्री नेकपाल, जो कलेक्ट्रेट बदायूं में अधिवक्ता हैं, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि थाना कालकाजी साउथ ईस्ट दिल्ली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 363 आईपीसी का, जिसके आईओ श्री पवन यादव हैं, और इस मुकदमे में जो पीड़िता है उसकी तरफ से ये अधिवक्ता नेकपाल पैरवी कर रहे थे। आईओ द्वारा जनपद बदायूं में अधिवक्ता से संपर्क किया गया और इनसे कहा गया कि अधिवक्ता द्वारा जो एफिडेविट को नोटराइज़ किया गया है और जो आधार कार्ड दिया गया है वो फर्जी है, और इसकी एवज में आईओ द्वारा अधिवक्ता पर दबाव बना करके इनको इस मुकदमे से पृथक करने के लिए 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। और इस संबंध में अधिवक्ता द्वारा एसएसपी सर के समक्ष उपस्थित होकर के प्रार्थना पत्र दिया गया। एसएसपी महोदय द्वारा इसमें क्षेत्राधिकारी नगर और एसडीएम सदर की एक टीम बना करके सादे में इनको भेजा गया, जिसमें ये नियत स्थान पर जो उपनिरीक्षक श्री पवन यादव और इनके साथ कांस्टेबल कुलदीप, एक महिला आरक्षी और एक ड्राइवर, इन्होंने लाबेला चौक पर बुलाया और बुलाने के उपरांत इनसे पैसे की डिमांड की, जिस पर अधिवक्ता द्वारा उनको लगभग 1,60,000 रुपया दिया गया, जिसको कि आरोपी उपनिरीक्षक द्वारा अपने बैग में रखा गया। उसी वक्त टीम द्वारा एक बारगी छापा मार के इनको पकड़ा गया, और जो अधिवक्ता द्वारा नोट के नंबर, करेंसी नोट के नंबर लिखाए गए थे प्रार्थना पत्र में, उनको मिलान किया गया, वो सही पाया गया और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है उपनिरीक्षक की, और इनके पास से 1,60,000 रुपये बरामद हो गए हैं। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, और इस संबंध में एक आख्या दिल्ली पुलिस को भी भेजी जा रही है, इस पर पृथक से दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।